हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्र में 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माता को घर के मंदिर में विराजमान कराया जाता है। उसके बाद 9 दिनों तक देवी माँ भक्तों के घर वास करती हैं। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, माँ की पूजा अर्चना और आरती करते हैं। साल में 4 नवरात्र होती हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। इन 9 दिनों में अलग अलग 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है। शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। साथ ही माथे पर अर्धचंद्र है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए सभी देवी देवताओं को न्योता भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ से अलग रखा गया। देवी सती मानती थी कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव से चिंतन किया तो भगवान ने उन्हें कहा कि प्रजापति दक्ष शायद किसी बात से हमसे रुष्ट हैं। इसी कारण उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती के हट करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। माता सती नहीं मानी और बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर चली गई। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि किसी ने भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं की। सारे लोग उनसे मुंह फेर रहे थे और सिर्फ उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। माता सती की बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी। खुद पिता दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भगवान शिव को लेकर भी उन्होंने बहुत ही कटु वचन कहे। माता सती से ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना संसार में कोई नहीं कर सकता था। माता सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ में खुद को स्वाहा कर प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। संसार की दृष्टि में यह शिव और सती का पुनर्मिलन था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के फल, लाल वस्त्र, लाल चंदन और तांबे का सिक्का अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि माता शैलपुत्री की पूजा में इन चीजों का प्रयोग करने पर देवी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मूलाधार चक्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करती हैं। इस तरह माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को सुख, संपत्ति, सौभाग्य के साथ आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः का विशेष रूप से जप करना चाहिए।